क्रेडिट बड़ी चीज है, कितनी बड़ी इसका अंदाजा इसे लगाइए कि क्रेडिट की जंग माननीयों को भी डिरेल कर देती है। कुछ ऐसा ही हुआ गोड्डा में, जहां क्रेडिट लेने के लिए माननीय खुद डिरेल हो गए। तो जिस तरीके से 7 अप्रैल का दिन गोड्डा जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है और इस दिन जिले से रेलवे जुड़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव आपस में ही भिड़ गए। आखिर क्या हुआ, देखें इस रिपोर्ट में। क्रेडिट की जंग देखिए। माननीयों का बवाल देखिए। हरी झंडी से पहले ही लाल कर दिया। गोड्डा स्टेशन पर ही बवाल कर दिया। ये तस्वीरें गोड्डा रेलवे स्टेशन की थी। दिन ऐतिहासिक था। हम सफर गोड्डा से दिल्ली के लिए पटरी पर दौड़ने वाली थी, पर उससे पहले एक गुट विधायक प्रदीप यादव का था, दूसरा गुट सांसद निशिकांत दुबे का था। सामान्य हुई। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय रेल मंत्री ने ट्रेन के लिए झारखंड और गोड्डा दोनों को बधाई दी और रेल को हरी झंडी दी। ये प्रोजेक्ट का काम शुरू पूरी तरीके से पूरा हो गया और आज हम एक हम सफर ट्रेन जो सीधा गोड्डा से मुंबई जाए वो आपके लिए देश को समर्पित करके उसको आज हरी झंडी दिखा के गोड्डा को सीधा मुंबई के साथ गोड्डा से सीधा दिल्ली के साथ देश की राजधानी के साथ जोड़ने का काम करने जा रही है। गोड्डा को ट्रेन मिली तो आम जनता भी उत्साहित दिखी, सबने खुशी का इजहार किया। इलाके से अब जाना पड़ रहा है ना रांची ना जसीडी ना फिर भागलपुर, अपना घर से आराम से खा पी के निकले हैं, एक घंटा में यहाँ पहुँचे हैं और इसमें तो सबसे ज्यादा क्या इलाज वगैरह के लिए जा रहे हैं? हार्ट के मशीन है, हार्ट के मरीज हैं, हार्ट का मशीन मरीज है। अच्छा, मैदानता में पेशेंट के हार्ट लगा था जी मशीन। क्या इलाज वगैरह के लिए जा रहे हैं? हार्ट के मशीन है, हार्ट के मरीज हैं, हार्ट का मशीन मरीज है। अच्छा, मैदानता में पेशेंट के हार्ट लगा था जी मशीन। तो पहले जो है कहाँ से पकड़ते थे गाड़ी, किस तरह का? भागलपुर से, अब आपको यहीं से मिल रहा है। गोड्डा ने दो दो ऐतिहासिक तस्वीरें देखी, रेल को दौड़ते देखा और सांसद विधायक को फिरते देखा। न्यूज 11 भारत के लिए गोड्डा से दिलखुश की रिपोर्ट।